मायावती ने लोकसभा चुनाव से पहले बने एनडीए और एनडीए की गठबंधन की उम्मीद पर पानी फेर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया कि बसपा दोनों मोर्चों में से किसी के साथ शामिल नहीं होगी। बता दें कि दोनों गठबंधन लोकसभा चुनाव की जंग में उतरने से पहले कुनबे का विस्तार करने की रणनीति पर काम कर रहे थे। एनडीए और इंडिया गठबंधन मायावती को पाले मिलाने के लिए डोरेट डाल रहा था। मायावती के बयान से साफ हो गया कि अब बसपा किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने वाली है। बता दें कि इस समय यूपी में इंडिया गठबंधन में सपा, कांग्रेस और रालोद जैसे दल एक साथ हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को छोटे मोटे दलों का भी साथ मिला है। इसके अलावा यूपी एनडीए में बीजेपी, सुभाषपा, निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल अपना दल हैं। अब यूपी में इंडिया और एनडीए गठबंधन की तस्वीर मुख्य रूप से साफ हो गई है। बसपा पुराने फॉर्मूले पर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को मायावती से कुछ ज्यादा उम्मीद थी। जानकारों का कहना था कि मायावती के आने से लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एनडीए के मंसूबे को झटका दे सकता है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर कमल खिलाने का लक्ष्य रखा था। मायावती के एनडीए का हिस्सा बनने पर बीजेपी को मिशन 80 को पूरा करने में सहयोग मिलने की उम्मीद थी। अब उन्होंने रुख साफ कर दिया है। मायावती की पार्टी बसपा किसी भी गठबंधन में लोकसभा का चुनाव लड़ने नहीं जा रही है। बसपा के इंडिया की छतरी से बाहर होने पर अब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी यानी कि एसपी और जयंत चौधरी की रालोद, कांग्रेस और वाम दल बच गई है। मायावती ने ऐलान किया है कि बसपा लोकसभा चुनाव का चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने इंडिया गठबंधन की तरफ से बीजेपी की बी टीम बताए जाने पर भी निशाना साधा। दोनों गठबंधन से किनारा करते हुए मायावती ने मीडिया से फर्जी खबर नहीं फैलाने की अपील की। ट्वीट के जरिए उन्होंने एनडीए और इंडिया गठबंधन के ज्यादातर घटक दलों को गरीब विरोधी, जातिवादी और सांप्रदायिक बताया। उन्होंने कहा कि इसीलिए गठबंधन की छतरी में चुनाव लड़ने का सवाल पैदा नहीं होता।